नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का विवादों से गहरा नाता रहता है। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें तो आज हम छठी जेपीएससी की बात करेंगे। छठी जेपीएससी का जो मामला है, 23 फरवरी को हाईकोर्ट से जजमेंट आया था संशोधित रिजल्ट जारी करने का। मार्च में 11 मार्च को संशोधित रिजल्ट भी आ गया। 62 छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। आज यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि जो छात्र बाहर किए गए हैं, क्या उन्हें इसमें समाहित करने का कोई रास्ता है या नहीं। अगली जो सुनवाई है वो अंतिम अप्रैल में होगी। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे जेपीएससी अभ्यर्थी, जो कि पहली जेपीएससी से लेकर अभी तक की जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, अनिल पन्ना जी। अनिल जी, आप ये बताइए कि जेपीएससी का जो मामला है छठी जेपीएससी का, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, इस पर आपका क्या टिप्पणी? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा, सरकार से जानना चाहा कि जो 62 अभ्यर्थी हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक बार विज्ञापन निकल जाता है और उसमें जो सीट तय हो जाता है, तो इसके बाद आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार गेम स्टार्ट होने के बाद रूल्स को बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब 326 जो है 326 ही रहेगा। इसीलिए ये देखा जाए तो ये आसान नहीं होगा कि एडजस्ट किया जाए। तो जो 62 बाहर गए हैं, कहीं कहीं अभी वो बाहर है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे वो मामला चल ही रहा है, तो ये क्या पॉसिबल है? देखिए मैडम, मैं बताना स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नया रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं आयोग ने हड़बड़ी में गड़बड़ी किया। क्योंकि आयोग को मालूम है कि एक प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जो कोर्ट ने आदेश दिया था रिजल्ट निकालने के लिए, तो उनको एक इंटरव्यू कंडक्ट करा के एक नियमवली होता है, नियम के अनुसार कंडक्ट कराना था, जिसने नहीं कराया। इसके अलावा एक रेशियो होता है 3:1 का, क्योंकि इंटरव्यू में आपको एक सीट पे 3 लोग को बुलाना पड़ता है। जैसे पीटी होता है तो पीटी में एक सीट पे 15 को बुलाते हैं 15 गुना, उसी प्रकार इंटरव्यू में भी एक पे 3 को बुलाना पड़ता है। मतलब 326 का चयन हुआ था, तो 960 में से 326 का चयन हुआ था। इसलिए जब 62 को बाहर करना है, इसका मतलब है कि आपको 186 लोगों के बीच से आया होंगे, चयन उनका हुआ होगा, 186 को चयन किए होंगे, तब आपका 62 लोग का चयन हुआ। मतलब 62 लोग हटेगा तो मतलब आपको 186 को हटाना होगा, क्योंकि 990 में 186 कौन होंगे, ये आयोग को तय करना है, स्पष्ट करना है। क्योंकि कारण क्या है, मेरिट लिस्ट बनाने में 186 लोग जो फेल थे, उन लोगों को चयन कर लिया गया। जो मेरिट लिस्ट में आते, जो बॉर्डर लाइन में कहीं ना कहीं रुक गए, सब विषय में पास रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई रहे होंगे, वो ये 186 लोग नहीं आ पाए। तो ऐसे में क्या होगा, मेरिट जो बनना था ये नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा आगे भी। आपके अनुसार कैसा रिजल्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो 62 छात्र, उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाए, कैसे? मैं स्पष्ट करता हूँ, रूल्स कहता है कि एक बार यदि कोई चीज खेल स्टार्ट होता है, गेम स्टार्ट होता है, रूल्स को नहीं बदल सकते। जब आयोग ने 2015 में विज्ञापन निकाला, सारा स्पष्ट कर दिया 326 सीट को लेके, तो अब इसमें बदलाव करना असंभव है। सीट एडजस्ट किसी की कीमत पर नहीं हो सकता। शायद ये सवाल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार, जेपीएससी कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको जवाब आयोग और सरकार को देना है। अब देखना होगा कि ये क्या जवाब देते हैं। लेकिन हम लोग को मालूम है, स्टूडेंट को मालूम है कि एक बार नियम बनता तो बदलाव नहीं किया जा सकता। जी, हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जो ये मामला है आपके अनुसार क्या, एक अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो 62 छात्रों को कैसे, जो अधिकारी कार्य कर चुके हैं वो कहाँ एडजस्ट होंगे, वो सरकार से पूछा है, तो सरकार को इसमें किस तरीके से एडवाइस लेना चाहिए, किससे किससे मिलके कैसे कैसे सरकार से जवाब मांगा गया? देखिए, आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, माननीय जस्टिस अजय रस्तोगी जी और माननीय जस्टिस वेला त्रिवेदी जी के बेंच में हुई, और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये जानना चाहा, सरकार से ये जानना चाहा कि किस तरह से जो 62 अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, ये जानना चाहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में इस निरुत्तर ही साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, या माननीय हाईकोर्ट में जब ये केस था, तो सरकार ने और जेपीएससी ने जिस तरीके से इस मामले से किनारा किया था, तो वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट में ये क्या उत्तर देंगे कि किस तरीके से उनको एडजस्ट किया जा सकता है, जो 62 जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको एडजस्ट किया जा सकेगा किसी भी सूरत पे, ये हर हाल में बाहर होंगे। और हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बताने का प्रयास किया, सरकार तय करेगी, करना चाहिए आपके अनुसार, आप भी अभ्यर्थी हैं। देखिए, सरकार को अगर सभी पक्षों को देखा जाए, तो सरकार को ये एग्ज़ाम रद्द कर देना चाहिए, इसमें इसी में सभी की भलाई है। क्योंकि अगर 62 अभ्यर्थियों को आप बाहर करते हैं बिना इंटरव्यू कराए, तो जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे और इनको इंटरव्यू में बुलाया नहीं गया, इस मार्किंग पैटर्न के, फॉल्टी मार्किंग पैटर्न के वजह से, तो वे बच्चे भी फिर कोर्ट मूव कर देंगे। तो ऐसे में अब ये भी स्थिति ये बन रही है कि बिना इंटरव्यू कराए आप
326 का पूरा आप मेरिट लिस्ट बना नहीं सकते हैं, और इंटरव्यू अब इस स्थिति में नहीं हो सकती क्योंकि सबके मार्क्स आउट हो गए हैं, तो वैसे में री एग्जामिनेशन इंग पॉसिबल है। तो सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए, एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि अब जो स्थिति है वो 62 जो बच्चे वो एडजस्ट तो नहीं किए जा सकेंगे, बल्कि ये है कि री एग्जामिनेशन करा करके सबको एक जिसको बोलते हैं फेयर प्लेइंग फील्ड देना चाहिए और सबको फिर से एक मौका देना चाहिए एग्जामिनेशन देने के लिए। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को आयोग को, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से जो जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है यही जवाब देना चाहिए, या तो इस परीक्षा को रद्द करें, यही एक इसका सोल्यूशन हो सकता है, नहीं तो ये अनफेयर रिजल्ट होगा। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।